हाय गाइस, दिस इज़ वॉच फ्रीक और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है बिकॉज आज हम वॉच के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंट ई स्पोर्ट्स सबसे आने वाला GM320 माउस के बारे में। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये पर्सनल मैंने अपने यूज़ के लिए खरीदा था मेरे PC के लिए, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोग को बताना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे घड़ियों के बारे में बात होती है, हम घड़ी को अनबॉक्सिंग करते हैं, घड़ी के फीचर्स और घड़ी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है वॉचेस में हमारी तरह तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिलता है या आपको कुछ हेल्प होती है माउस सेलेक्ट करने में, वीडियो को लाइक करके जाइए बिकॉज मोटिवेशन बहुत मिल जाता है लाइक से। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खास नहीं, बिकॉज 600 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अनबॉक्सिंग नहीं दे पाता है। तो ये हमारा माउस है, चलिए इसे साइड में रख देते हैं। ठीक ठाक केबल है, ज़्यादा हैवी केबल नहीं, काफ़ी बड़ा साइज दिख रहा है। इसका अगर नीचे देखेंगे तो इसमें पैड भी दिए हुए हैं जिसके वजह से आपका एक्सपीरियंस और स्मूथ हो जाता है, काफ़ी मक्खन जैसे चलता है अगर ये पैड होते हैं इसमें तो। बाकी इसके LED जो है बहुत ही शानदार दिख रहे हैं सब तरफ से, 270 डिग्री में इसमें LED दिया हुआ है, पीछे में भी दिया हुआ है, साइड से भी दिया हुआ है, और यहाँ पे थंब रेस्ट भी दिया हुआ है। जैसे कि 5 एडिशनल बटन है, चलिए आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। साइज तो बड़ा है इसका, बिकॉज मैं इसके पहले जो माउस यूज़ करता था ASUS का, उसके कमरे में तो काफ़ी बड़ा माउस है ये, लेकिन इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। इसमें देखिए लाइटिंग जो है ना चेंज भी हो रही है, और मेरा मोबाइल इसका कलर्स इतने कैप्चर नहीं कर पा रहा है, वरना इसमें बहुत अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा कलर है। आप देख सकते हैं इसका ना ब्राइटनेस भी देखिए कितना अच्छा है, अभी लाइट ऑफ करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये स्लाइड ऑफ के बाद में इसमें कलर जो है वो ब्लिंक हो रहा है। इसे आप ना एंड ई स्पोर्ट्स का ड्राइवर भी आता है इसका, इसके थ्रू आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कलर्स को। उसमें जो एक्स्ट्रा बटन है उसे आप गेम्स में असाइन कर सकते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। या दिखने में तो बहुत शानदार दिख रहा है, मतलब मेरा जो पिछला माउस है उससे तो बहुत ज़्यादा शानदार, ज़्यादा इसमें RGB है। बट मुझे ना इसमें थोड़ा सा लगा इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लगा, वो भी इसलिए क्योंकि मैं जो है काफ़ी टाइम से 3-4 साल से एक ही माउस यूज़ कर रहा हूँ, जो साइज़ मुझे हाथ में बैठ गया है। तो ये बड़ा माउस है तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट मुझे लग रहा है यूज़ करते करते इसमें मुझे आदत पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपका हाथ बहुत छोटे है तो शायद आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। अमेजोन से बस कुछ दिन पहले ही लिया हूँ, तो देखिए अमेजोन पे 600 का, लगभग 600 का ही मिल रहा है, और इसमें अगर आपके पास बैंक ऑफर है तो 5% 10% इसमें ऑफ मिल जाता है। इसके MRP जो है 2099 दिए हुए पैकेज में, और ऑनलाइन में भी दिया था बट डिस्काउंट के बाद दिखा रहा था कि इतना कम है, मुझे लगता है कि इतना महंगा होना। वैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप अगर एंट ई स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जाओगे आप तो वहाँ पे आपको ये 799 का मिल रहा है। एंट ई स्पोर्ट्स कंपनी का बताया तो मेरे पास में इसके हेडफोन है, मेरे पास में इसका जॉयस्टिक है, वो अभी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हेडफोन का आई थिंक 6 महीने हो गया, और जॉयस्टिक मैंने 1 साल पहले लिया था जो कि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी कम बजट में आपको अच्छा मिल। दैट्स ऑल गाइज, ये था छोटा सा वीडियो एंट ई स्पोर्ट्स आने वाला GM320 माउस के बारे में। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने पर्सनल यूज़ कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी डील है और आप भी कोई आप में से कोई भी इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी, इससे आपको कुछ हेल्प मिली होंगी आपको माउस सर्च करने में, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में इस चैनल पर। और अगर आप वॉच में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम वहाँ पर वॉच कर बात करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।